तो आज मैं जा रहा हूँ कराची से मीरपुर खास। तो आज जो मैंने ट्रेन सेलेक्ट की है अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो एक और व्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ आज, और आज मैं मौजूद हूँ डिग रोड जंक्शन, जो कि कराची का एक रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन में शुमार होता है डिग रोड। तो आज मैं डिग रोड रेलवे स्टेशन पर इस वजह से मौजूद हूँ कि आज मैंने सोचा कि यार आप लोगों के लिए एक व्लॉग लाया जाए, अच्छा सा, काफ़ी दिन हो गए अच्छा सा एक लॉन्ग व्लॉग नहीं आया। तो जैसे मुल्तान में गया था, अगर किसी ने मेरे मुल्तान के व्लॉग नहीं देखे तो ज़रूर चैनल पर जाकर विज़िट करें और मुल्तान के व्लॉग देखें। तो आज भी इसी तरह मैं एक अच्छा व्लॉग लाया हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ कराची से मीरपुर खास। तो आज जो मैंने ट्रेन सेलेक्ट की है तो वो है, और दो ट्रेनों में मैं जाऊँगा, इस तरह मैं जाऊँगा समझ लें सफ़र तोड़ तोड़ के। तो पहले मैं जाऊँगा कराची से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से जाऊँगा मीरपुर खास, क्योंकि मीरपुर खास सुबह में एक ही ट्रेन जाती है। ये भी बताता चलूँ आपको, अभी कराची में सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 6:45 का टाइम हो रहा है। टाइम एक मिनट कन्फर्म कर दूँ, हाँ 6:45 हो रहे हैं। तो कराची से हैदराबाद अब एक पहले मैं जाऊँगा शालीमार एक्सप्रेस में, जो कि कराची की सबसे सुबह सुबह चलने वाली पहली ट्रेन है, कराची से लाहौर जाती है ट्रेन। तो इस पर मैं जाऊंगा हैदराबाद तक, फिर आगे आपको मैं बताता हूँ किस पर जाऊंगा मैं मीरपुर खास। तो आज का मेरा ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन ट्रैवल ब्लॉग, तो पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैंने ओपन टिकट ले लिया है कराची टू हैदराबाद का, वो दिखा देता हूँ आपको। ये कराची टू हैदराबाद का ओपन टिकट, और इन्होंने रेट छुपाए हैं, ये नहीं करना चाहिए। रेट अगर छुपाए हैं तो स्टैंप लगा दें, जैसे डेट का इन्होंने स्टैंप लगाया, और आज डेट है बताता चलूँ आपको 16 जुलाई 2024। और डिग रोड से हैदराबाद का टिकट जो इन्होंने मेरे से परचेज लिया डिग रोड वालों ने, 600 रुपये ओपन टिकट, वैसे है 550, पता नहीं 50 रुपये किस बात के ऊपर के ले रहे हैं। कह रहे हैं आप ओपन टिकट है 600 लेंगे, ऑनलाइन पे 550 है। तो ये था टिकट, ओपन टिकट कराची टू हैदराबाद का। मेरा वैसे यही ख्याल है कि मैं एसी पॉलर क्लास में सफ़र करूं आज का, क्योंकि जैसे कराची में बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है, और साथ साथ मीरपुर खास में तो और ही शदीद होगी। अभी तो मौसम अच्छा है, क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला, सामने आप देख रहे हैं सूरज बस कुछ ही देर में तुलू होगा यहाँ से। और ये डिग रोड जंक्शन का बोर्ड, और हमारी ट्रेन भी वही आ गई। वाह यार, बिल्कुल टाइम पर है, फुल 6:45 बजे, 6:30 बजे कराची कैंट से चलती है ट्रेन, और ये आ गई है। तो देखते हैं क्या किस तरह एसी पॉलर क्लास में हमारा सफ़र बनता है, कुछ ऊपर पैसे देकर। ऐसे एसी पॉलर क्लास का 1150 टिकट है, मैंने ऑनलाइन निकाला था। तो देखते हैं, इंजॉय करेंगे फुल सफ़र में, मेरे रसार रहिएगा। HGMU 30 यार लोकोमोटिव लीड कर रहा है, ये 151 अफशा लतीफ़ एक्सप्रेस है, सॉरी इसी पीछे पीछे आ रही है अपना शालीमार एक्सप्रेस, ये चलती कराची टू मीरपुर खास। इसमें ही मैं जा सकता था, ऑप्शन था मेरे पास, मगर ये खुआर बहुत कर देती गर्मी में, जैसी गर्मी हो रही पसीने वाली, तो मैंने इसको चूज़ नहीं किया। वो तो हैदराबाद से बताऊँगा आपको कैसे जाएंगे मीरपुर खास, तो जुड़े रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। अब शालीमार एक्सप्रेस का इंतज़ार करते हैं कब आती है, 5 मिनट लेट होगी ज़्यादा ज़्यादा, बस 5-10 मिनट बाद अब आप डिग रोड जंक्शन पर आ जाएगी। तो चलें एंजॉय करते हैं आज का सफ़र। ये आ गई आज की हमारी ट्रेन, जिस पर हम कराची टू हैदराबाद सफ़र करेंगे, और आवाम भी काफ़ी आई हुई आज कराची से सफ़र करने के लिए अंदरून शहर। आज ट्रेन को जो लीड पर लगा हुआ है GU-40 लोकोमोटिव, बताता चलूँ आपको, ये ट्रेन कराची टू लाहौर चलती है, सुबह की पहली ट्रेन कराची से।
GU409052। और इसमें इकॉनमी क्लास के साथ साथ एसी स्टैंडर्ड क्लास, एसी बिजनेस क्लास और एसी पॉलर क्लास भी होता है, जो कि ग्रीन लाइन में लगता है इस तरह का, और कभी कभी पुराना एसी डुलेक्स कार की तरह भी होता है। ये कोच अच्छी है नई इकॉनमी क्लास की। तो ये रही इसकी एसी पॉलर क्लास, तो चलें बैठते हैं इसमें। तो अभी मैं पॉलर क्लास में तो नहीं, बिजनेस क्लास में बैठा हूँ। तो गार्ड साहब से बात हुई है, कह रहे हैं भैया बिजनेस क्लास में बैठो, फिर आगे पॉलर क्लास में आपको जगह देते हैं। तो ये थी हमारी बिजनेस क्लास। अब ट्रेन यहाँ से तकरीबन 5 से 7 मिनट स्टॉप किया, क्योंकि आगे आगे वही 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है, इस वजह से। तो अब डिपार्ट कर रही है डिगरोड जंक्शन से हमारी ट्रेन, और नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट हैदराबाद करेगी, और साथ ही साथ क्रॉस देगी हमारी ट्रेन 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को, जो कि लांडी रेलवे स्टेशन पर स्टॉप किया हुआ जिसने। बाय बाय डिगरोड जंक्शन। लांडी रुकेगी? नहीं, लांडी नहीं रुकेगी, हैदराबाद। तो चलें अब आपसे एसी पॉलर क्लास में मिलता हूँ थोड़ी देर में। ट्रेन अभी वालिद गेट फाटक हमारे होम टाउन से गुजर रही है, 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। और अभी हम एसी बिजनेस क्लास में सवार हैं अभी तक। और ये मैं पॉलर क्लास में आ गया हूँ। तो वैसे आप यहाँ से यूँ प्रेस करेंगे, खुद ब खुद ऑटोमेटिक खुलता है। तो फिर यूँ तो थोड़ी सहूलतें बता दूँ आपको, क्या क्या मिल जाता है एसी पॉलर क्लास में। मैं आकर बैठ चुका हूँ, सामने देख सकते हैं आप, सामने आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी LCD मिल जाती है, जैसे लग रहा है जहाज़ में बैठ चुके हैं। मगर ये यकीन बन करना पड़ता है आपको कि ट्रेन है, चाइना से मंगाई गई बोगी हैं ये कोचेज, CRRC कोचेज। ये टेबल आपको मिल जाता है इधर, और चार्जिंग के लिए पोर्ट्स अवेलेबल हैं, और ये एक अदर डस्टबिन है, और सामने गिलास है जिससे आप बाहर के नज़ारे कर सकते हैं। इसको अगर थूप आए तो ये ढक भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं, और एमरजेंसी के लिए एक हैमर भी मौजूद है साथ साथ, और ये पाँव रखने के लिए पैंडल भी, इस तरह आप पाँव रख सकते हैं। ये टेबल है जैसे आपको मैंने दिखाया, और साथ में एयर कंडीशन, फ़ैन सब मौजूद है भाई, सब सहूलतें। तो चलें आज का ये सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, एंजॉय करते हैं इसको। और अभी हमारी ट्रेन मलीर रिवर ब्रिज से पास होगी। अभी हमारी ट्रेन लांडी रेलवे स्टेशन से क्रॉस हो रही है, और सामने शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को क्रॉस दे रही है, जो कि लूप लाइन पर खड़ी हुई थी। तो अभी हमारी ट्रेन ढाबेजी रेलवे स्टेशन के बाद अपनी स्पीड में रवा दवाएँ। तो ये कुछ व्यू है अंदर के एसी पॉलर क्लास, बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार मैं सवार हुआ हूँ इस पर, और पहली बार ही मीरपुर खास में जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरा सफ़र, आप भी इंजॉय करते जाएं। और साथ साथ ये चीज़ की ट्रॉली भी आती है यहाँ पर, और ये अभी मैंने LCD भी चला ली है, जो गए लगी हुई स्क्रीन सामने, तो उस पर गिलगित बल्तिस्तान हमारा प्यारा सूबा एक, उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है ये, साथ ही हमारा भी प्यारा सिंध सामने, पहाड़ी पहाड़, रन पठानी करीब है, इस वजह से पहाड़ पहाड़ आते हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है सबसे। अभी हमारी ट्रेन जंगशाही रेलवे स्टेशन से पास हो रही है, तकरीबन 8 बज रहे हैं टाइम, और 100+ स्पीड के साथ जंगशाही रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया 27 अब शालीमार एक्सप्रेस ने।
तो जंगशाही के बाद अब हैदराबाद आने वाले, ये तकरीबन 2 घंटे का और रास्ता है। तो मैंने कहा चलो यार सुबह ऐसे ही निकले थे भूखे पेट, तो नाश्ता कर लेते हैं। आज के नाश्ते में शामी कबाब चिकन के, बीफ के नहीं बनाए क्योंकि बीफ खा खा के थक गए, खा तो चिकन के बनाए हुए, और साथ में नान शायद इसको तल लिया था, समझ लो घी लगा के थोड़ा रात में लेके रख लिया था, इस वजह से ऐसा हो गया। तो चले एंजॉय करते हैं नाश्ता एसी पॉलर क्लास में। आगे मिलता हूँ। अभी हमारी ट्रेन चंपीर रेलवे स्टेशन से क्रॉस हो रही है और साथ ही लूप लाइन में लगी हुई है मालगाड़ी, बहुत ज़बरदस्त स्पीड के साथ GU40 लीड पर लगा हुआ है और रवान दवा है आगे की तरफ। तो अभी मैं बाहर आया हूँ और बहुत ही खतरनाक स्पीड से ट्रेन आगे की तरफ रवान दवा है, सामने चंपीर के पावर प्लांट। अंदर तो आवाज पता ही चलता है ट्रेन की, बाहर बहुत शोर हो रहा है। रिव्यू दे दूं तो ये है वॉशरूम उसका, शालीमार एक्सप्रेस के एसी पॉलर क्लास का, बहुत ही ज़बरदस्त साफ सुथरा वॉशरूम है ये, बहुत अच्छा नलका है जिसमें पानी भी आ रहा है और यहाँ टॉयलेट मिल जाता है आपको, साबुन की पानी नहीं है। सामने एक लाइट है और अच्छा, सामने एक विंडो दी भी है। हमने मेरे ख्याल से कोयला वगैरह निकलता है, बुलारी रेलवे स्टेशन मतलब करीब है, कुछ ही देर में हम लोग बुलारी रेलवे स्टेशन और बरान रेलवे ब्रिज से पास होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से ट्रेन आगे की तरफ रवा दवा है और टाइम भी 8:20 हो रहे हैं। मौसम अच्छा हुआ, धूप नहीं है। इसमें 142 किलोमीटर दूर हम आ गए कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। ये ट्रक चेक करें आप, आगे से बस वाली शेप है, पीछे से ट्रक है। वाह भाई यही झंपीर के ट्रक हैं ये, और ये बुलारी रेलवे स्टेशन आ गई है, बल्कि मीटिंग रेलवे स्टेशन है, बुलारी इसके बाद आएगा। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है मीटिंग, और ये सी आर सी कोच है मेड इन चाइना 2022 की। एक बार फिर से मैं अंदर आ चुका हूँ एसी पॉलर क्लास में, तो मैंने कहा सोचा आपको थोड़ा LCD ही बता दूँ कैसे चलानी है। ये पहले तो आपको ये मिलेगी, तो इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपको ये इधर मिल जाएंगे कोक स्टूडियो सॉन्ग है, और ये पाकिस्तान रेलवे की जो एसी पॉलर क्लास है नई उसके बारे में बता रहे हैं ये, और ये इधर आपको परीदार ड्रामा वगैरह और पाकिस्तानी ड्रामा मतलब वो मिल जाएंगे, पर टच काम नहीं कर रहा इसका, ये सूरह मिल जाएंगी तिलावत वगैरह अगर आपको सुननी है, सुबह का वक्त है सुननी भी चाहिए, और ये कार्टून वगैरह टॉम एंड जेरी वगैरह, और इस तरह ये एक मैच भी पड़ा हुआ है PSL का, मुल्तान सुल्तान और कोटा क्रिकेटर का शायद, और साथ ही साथ हमारी ट्रेन भी रवा दवा है।
अभी हमारी ट्रेन कोटरी जंक्शन में दाखिल हो रही है और साथ ही सामने से G40 लोकोमोटिव के साथ एक ट्रेन पास हो रही है। ये है पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची रावलपिंडी और कराची दरमियान चलने वाली ट्रेन 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। और कोटरी ही मौसम गर्म है मगर साथ साथ बादल छाए हुए हैं। ये कोटरी जंक्शन का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा और हरा भरा रेलवे स्टेशन है। बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं यहाँ भी और ट्रेन का बड़ा मुस्तैद अमला आपके साथ मौजूद है, दरवाजे में खड़ा है आपके साथ अभी बता दिया, यही मुस्कुराहट दे दी है बस अपने। और सामने भी एक ट्रेन खड़ी मेरे ख्याल समन सरकार एक्सप्रेस है जो कि कोटरी से मीरपुर खास जाती है। और कोटरी भी एक मिनट का स्टॉप कर है ट्रेन ने, वैसे ही उसके बाद डिपार्ट कर चुकी है हैदराबाद की तरफ। अब रवाद हुआ है कुछ ही देर में 10 मिनट बाद हैदराबाद हम पहुंचेंगे। और एक ये वाली पटरी है जो कि उस तरफ जाती है मोहनजोदड़ो की तरफ, मोहनजोदड़ो ट्रेन इस पर जाती है। और अभी हमारी ट्रेन मेहरान रिवर ब्रिज गुजर रही जो कि कोटरी पर वाक़ है दरिया सिंध के ऊपर। ये दरिया सिंध जो कि तकरीबन सूखा हुआ है और इधर थोड़ा पानी है इस तरफ। चले अब हैदराबाद की तरफ आपसे मिलता हूँ। टाइम हो रहा है 9:15 और हमारी ट्रेन वक्त से पहले पहुँच रही है हैदराबाद जंक्शन पर जो कि हमारा आज की समझ लो एक मंजिल है, दूसरी मंजिल फिर मीरपुर खास है। तो एक और ट्रेन खड़ी हुई है डाउन प्लेटफार्म पर 26 डाउन भाउद्दीन ज़िकरिया एक्सप्रेस जो कि अपने वक्त से तकरीबन 3 घंटे लेट। तो प्लेटफॉर्म इस तरफ आएगा तो चलें इस तरफ चलते हैं। ये हैदराबाद जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन लग चुकी है। हैदराबाद आया जी, तो मैं पहुंच चुका हूँ हैदराबाद जंक्शन और तकरीबन 9:15 पहुँचा दिए टाइम से पहले, तकरीबन 5-10 मिनट पहले ट्रेन ने पहुँचा दी है। लाइव ट्रैकिंग काम नहीं कर रही 2-3 दिन से मुहर्रम की वजह से, तो सही टाइम पता नहीं चल रहा था। और वहाँ से डिपार्चर विसल हो चुका है उसका बहुत दिन दिख रही है एक्सप्रेस का। तो ये थी आज की हमारी ट्रेन और ये थी हमारी आज की पोलर क्लास जिसमें आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त एक सफ़र किया। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है पोलर क्लास मगर हमारे ट्रैक सही हो तो चल भी ले। तो ये हैदराबाद जंक्शन का कुछ व्यू, सुबह सुबह नाश्ता मिल रहा है चाय वगैरह, बाकी टिक्की नान है पराठे वगैरह सब मिलता है। तो अभी आपको थोड़ी देर में मालूमात देता हूँ आगे हम किस तरह जाएंगे। क्लासिक का एसी क्लासेस का यही फ़ायदा होता है, देखें पानी भरा जा रहा है हैदराबाद पर ही, बहुत फ़ायदा है भाई एसी का। और इकॉनमी देखें ऐसी ये खड़ी हुई है तो इकॉनमी में रोड़ी पर पानी भरा जाएगा और सफाई भी हो रही है, चेक करें आप। पीछे की तरफ मैं आ गई हूँ बोर्ड की तरफ और सामने से हमारे जा रही है 26 डाउन भाउद्दीन ज़िकरिया एक्सप्रेस कराची तरफ, चेक करें आप। प्रीमियम लॉन्च के साथ, प्रीमियम लॉन्च रेलवे की ट्रेन का समझ लो वो है रेस्टोरेंट डेक जिसमें 40+ डिशेस मिलती हैं। तो हैदराबाद रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद मैं अब रिक्शे में सवार हो चुका हूँ और मीरपुर खास जाने के लिए मैंने चूज़ की है
बस क्योंकि मैंने सोचा था वैसे शाह लतीफ एक्सप्रेस में जाना, मगर शाह लतीफ एक्सप्रेस अभी बहुत दूर है, तकरीबन 11 बजे तक आएगी। तो जब तक मैं मीरपुर खास पहुँच भी जाऊँगा, थोड़ा घूम भी लूँगा। तो आज बस में जाएंगे मीरपुर खास हैदराबाद से। तो पहले बस अड्डे पर चलते हैं रिक्शे में। तो भाई ये मैं बस में आ गया हूँ, आज बस में सफ़र हुआ हैदराबाद से मीरपुर खास का। और गर्मी बड़ी टाइट हो रही है, बस है खास की अभी तक पूरी खाली, तकरीबन आधा घंटा एक घंटा लग ही जाएगा भरने में। तो टाइम भी हो रहा है 9:45 हो गए, और ये हैदराबाद का बस अड्डा है। तो चलें यहाँ से आपको सामने से व्यू दिखाएंगे हैदराबाद के बाद का मीरपुर खास तक का। तो आपसे अभी बस चल जाती, फिर मिलता हूँ। तो तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करने वाले भाई आखिरकार बस चल गई है, और बहुत गर्मी के साथ साथ बहुत अच्छे मनाजिर भी देखने में मिलने हैं। आप देखें इस तरफ भी आम के बगात, इस तरफ भी आम के बगात, और बीच में हमारी बस रवा दवा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है एक तरह से। बस अभी चंडो जाम पर पहुंच चुकी है, और टाइम हो गया है तकरीबन 11:15। काफ़ी टाइम लगा। ये सामने आप देख रहे होंगे टंडो जाम की यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत और बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हुई है टंडो जाम शहर की। आखिरकार हम बड़ी खुआरी के बाद पहुंच चुके हैं मीरपुर खास हैदराबाद टूल प्लाज़ा पर। बहुत ही गर्मी है और बहुत बस स्टॉप कर रही बार बार, तो इससे अच्छा मैं ट्रेन पे ही आ जाता शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में। तो 1 बजने करीब आया, और अब मैं पहुंच चुका हूँ मीरपुर खास पर। बहुत ही भाई खुआरी हो गई कसम से। इससे अच्छा शाह लतीफ़ पर चले जाता, उसको आधा घंटा हो गया पहुँचे हुए। शाह लतीफ़ 12:30 पहुँच गई थी। तो चले आपका बस यही ब्लॉग था मेरा आज का, कराची से लेकर मीरपुर खास मैंने 2 जगह ट्रैवल किया। थोड़ी मीरपुर खास की आपको मालूमात दे दूँ, सिंध के बड़े शहरों में शुमार होता है मीरपुर खास। और यहाँ की जो फेमस चीज़ है वो आम है, आमों का शहर भी कहते हैं इसको मीरपुर खास को। तो अब आपको आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई बहुत गर्मी है मीरपुर खास में। कराची का भी रिकॉर्ड नहीं भाई, जितनी कराची में पिछले दिनों पड़ी है तो कराची का भी कोई रिकॉर्ड नहीं, बहुत गर्मी हो रही है मीरपुर खास में। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो फुल वॉच करके लाइक ज़रूर करिएगा। अब आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, मीरपुर खास के ब्लॉग आएँगे। तो जब तक के अल्लाह हाफिज़। मैं मीरपुर खास के एक मशहूर होटल में आऊँ, घर है बड़ा मशहूर है मदीना होटल, मीरपुर खास का बस अड्डे से थोड़ा सा आगे। तो उनका मैंने मंगाया है, आइए, ये दाल है, दाल फ्राई, दाल माश लग रही है, और साथ में सैलेड। अच्छा।